हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज का लेक्चर होगा स्पेशल नीड्स ऑफ हेयरिंग इम्पेयर चिल्ड्रन। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था विजुअली इम्पेयर के लिए, इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम हेयरिंग इम्पेयर चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, तो ये है सिलेबस का पार्ट, क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्कूल के अंडर आता है और बीएड में सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, मेरा नाम है अनिल, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हेयरिंग इम्पेयर चिल्ड्रन कौन से होते हैं? हेयरिंग इम्पेयर चिल्ड्रन तो ये बच्चे वो होते हैं जिनमें जो हेयरिंग की सेंस है वो नॉन फंक्शनल हो जाती है, मतलब उन्हें सुनाई नहीं देता है डिस्पाइट ऑफ एम्पलीफिकेशन। ओके, अगर आप वॉइस को एम्पलीफाई भी कर दो तब भी उन्हें सुनाई नहीं देता है। ठीक है, ये दिक्कत क्यों आ सकती है? या तो जेनेटिक दिक्कत होगी, किसी इंजरी के कारण इनके ईयर में दिक्कत आ सकती है, जो कि इंटरनल ईयर, मिडल ईयर या एक्सटर्नल ईयर में कोई डैमेज हो जाए जिससे कि जो इनके हेयरिंग की सेंस है वो चली जाए। ठीक है, या तो बाय बर्थ किसी को सुनाई ना देता हो, तो ऐसे बच्चे आते हैं हेयरिंग इम्पेयर चिल्ड्रन में। जो डीफ बच्चे होते हैं उनमें बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है, और कुछ होते हैं जिन्हें हार्ड हेयरिंग होती है। ठीक है, उन्हें थोड़ा बहुत सुनाई देता है, बहुत मुश्किल से सुनाई देता है, हल्का हल्का बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है, आप हेयरिंग एड से हेल्प कर सकते हैं, मतलब कान में उनके मशीन लगा सकते हैं, डिवाइस लगा सकते हैं जिससे कि जो वॉइस है वो एम्पलीफाई हो जाए, ऑडिबल वॉइस, और वो इजिली फिर उस आवाज को सुन सकते हैं। बाकी कई बार क्या होता है, जो डीफ चिल्ड्रन होते हैं उनमें हेयरिंग एड लगाने के बाद भी आवाज नहीं आती। ठीक है, तो उनके लिए अलग स्कूल्स हैं, और जिनमें हेयरिंग एड लगाने के बाद आवाज आती है वो सुन सकते हैं डिवाइस के जरिए, तो उनके लिए अलग स्कूल है, वो तो फिर नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ सकते हैं आसानी से। पर जिनको बिल्कुल नहीं सुनाई देता तो उनके लिए स्पेशल स्कूल की अरेंजमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि जिनमें माइल्ड और मॉडरेट हेयरिंग प्रॉब्लम होती है वो नॉर्मल स्कूल में, इंक्लूसिव स्कूल में पढ़ सकते हैं। जो बिल्कुल डीफ चिल्ड्रन होते हैं जिन्हें बिल्कुल सुनाई नहीं देता, उनके लिए स्पेशल स्कूल्स होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रोविजंस हैं यूज ऑफ हेयरिंग एड्स। जैसे हमने पढ़ा कि हेयरिंग एड्स उन्हीं को दे सकते हैं जिन्हें हेयरिंग एड से फायदा होता हो, और वो कौन चेक करेगा, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ही चेक करेंगे कि उन्हें हेयरिंग एड से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए हम हेडफोन्स यूज करते हैं स्कूल्स में, स्पीकर्स यूज कर सकते हैं, इंडिविजुअल एड्स चूज कर सकते हैं, जैसे कि कान में मशीन्स आती हैं जो हेयरिंग डिवाइस होती हैं वो लगा सकते हैं उन बच्चों में जिन्हें इन डिवाइस से हेल्प हो जाए। नर्सरी एजुकेशन, छोटे पे बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। सपोज किसी बच्चे को नहीं सुनाई दे रहा तो उन्हें स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करवाना सबसे अच्छा है, ताकि उन्हें बड़ी एज पे जाने के बाद कोई दिक्कत ना हो। स्पीच रीडिंग क्या होता है, जो ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें सुनाई नहीं देता तो वो लिप रीड कर सकते हैं। ठीक है, और फेशियल एक्सप्रेशंस के जरिए किसी की लैंग्वेज को समझ सकते हैं। पर इसके लिए भी क्या है, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए बच्चों की। उन्हें प्रॉपर ट्रेन किया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे लिप रीडिंग करनी है, स्पीच रीडिंग करनी है, और किसी के फेशियल एक्सप्रेशन या मूवमेंट्स को कैसे पहचानना है, इसे कहते हैं स्पीच रीडिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग जॉब के लिए तैयार करना भी इम्पोर्टेंट है। तो जब स्कूल्स में पढ़ाएंगे तो इन्हें क्या सिखाया जाएगा कि ये टीचर्स बन सकते हैं, है ना, उन्हें पेंटिंग सिखा सकते हैं, आर्ट सिखा सकते हैं, मैकेनिकल और टेक्निकल कोर्स सिखा सकते हैं, जिनमें जो इनकी डिफरेंटली एबिलिटी है वो दिक्कत ना आए, बाधा ना आए। तो ये सब काम किसका है, जैसे हमने RPWD एक्ट पढ़ा था ना, राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी 2016, तो उसमें क्या प्रावधान था कि डिफरेंटली एबल्स पर्सन के लिए ऐसी जॉब ढूंढना जो कि इनके द्वारा आसानी से की जा सकती है। ठीक है, तो वो सब क्या है, वोकेशनल ट्रेनिंग का पार्ट है। इनके लिए जॉब ढूंढी जाएगी, कौन सी जॉब कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। टीचिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, रोल प्लेइंग से करवा सकते हैं हम, इलस्ट्रेशन दिखा सकते हैं, पिक्चर्स एंड वीडियोज का सबसे ज्यादा यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर सुनाई नहीं दे रहा तो बच्चे क्या है, देख के आसानी से सीख सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स के जरिए नहीं पढ़ाया जा सकता है, हैंगिंग चार्ट्स आप टांग सकते हो, ठीक है, वॉल पे हंग कर सकते हो, तो उससे क्या होगा, ऐसे बच्चे आसानी से चीजें देख के सीख जाएंगे। ठीक है, वोकैबुलरी के लिए, अल्फाबेट्स के लिए, नंबर्स के लिए, बॉडी ऑर्गन्स के लिए, जो भी चार्ट्स अवेलेबल हो वो हम इन्हें दिखा सकते हैं, इन्हें इनकी अंडरस्टैंडिंग इजी करने के लिए। स्पीच थेरेपी करवा सकते हैं, ताकि कई बच्चों क्या होता है जिनमें हियरिंग डिसेबिलिटी होती है उन्हें थोड़ी बोलने में दिक्कत होती है, तो इस केस में स्पीच थेरेपी की जा सकती है ताकि उनकी जो ऑडिटरी स्किल्स है वो थोड़ी इम्प्रूव हो सके। साइन लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं हम, साइन लैंग्वेज आपने देखा होगा कई बार जो दूरदर्शन चैनल होते थे तो उनमें साइन लैंग्वेज के जरिए भी न्यूज पढ़ी जाती थी, ठीक है, आजकल भी पढ़ी जाती है। तो साइन लैंग्वेज सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें, आप हम ऐसे बच्चों को साइन लैंग्वेज के जरिए भी पढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो फैमिलीज होते हैं जिनमें ऐसे बच्चे होते हैं उनको सबको क्या होता है, साइन लैंग्वेज आती है, ताकि बच्चे को आसानी से कुछ भी समझा सके। और आई थिंक जो भी ऐसी चीजें हैं वो नॉर्मल पर्सन के भी आनी चाहिए, ताकि जो है ऐसे बच्चों के लिए एनवायरमेंट बहुत फ्रेंडली हो जाए, है ना। आई थिंक ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए कि जो साइन लैंग्वेज है और जो ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम डिफरेंटली एबल पर्सन की हेल्प कर सके, डिफरेंटली एबल बच्चों की हेल्प कर सके, तो बहुत अच्छी बात होगी आई थिंक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
देन है पार्ट टाइम स्पेशल क्लास प्लेसमेंट, जिनमें हमने पढ़ा था कि जिनमें माइल्ड या मॉडरेट दिक्कत है वो नॉर्मल स्कूल अटेंड कर सकते हैं विद सम स्पेशल इंस्ट्रक्शन स्कूल में हो। पर रेगुलर स्कूल्स में क्या होगा, एक रिसोर्स रूम होगा जिसमें सारी वो टीचिंग एड्स होंगी जो ऐसे बच्चों को हेल्प करेगी, वो टीचर होगा जो उन्हें अच्छे से पढ़ाएगा उस रिसोर्स रूम में, ठीक है। पर ये भी क्या है, हर एक स्कूल में होना इतना आसान नहीं है, कि कुछ स्कूल हैं जिनमें ऐसे रिसोर्स रूम हो सकते हैं, पर हर एक स्कूल में रिसोर्स रूम बनाना भी इतना आसान नहीं है। जो माइल्ड और मॉडरेटली हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन है वो रेगुलर स्कूल में आराम से पढ़ सकते हैं डिवाइस लगा के, या रिसोर्स रूम के जरिए उन्हें पढ़ाया जा सकता है और उसमें टीचर होता है जो उनकी हेल्प करेगा, ताकि जो रेगुलर स्कूल में उनकी जो दिक्कतें हैं उन्हें दूर किया जा सके। देन सेकंड पॉइंट है कि प्लेसमेंट इन इंटीग्रेटेड स्कूल, ओके। और जिन्हें थोड़ी ज्यादा दिक्कत है उनको क्या है, वो क्या कर सकते हैं कि वो आधा दिन रेगुलर स्कूल में अटेंड करें और आधा दिन क्या होगा स्पेशल स्कूल में अटेंड करें, ठीक है। तो जो स्पेशल स्कूल में सीखेंगे वो रेगुलर स्कूल में आके अप्लाई कर सकते हैं अपनी लर्निंग को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रोल ऑफ टीचर्स क्या होने चाहिए। सबसे पहले टीचर का क्या रोल है, स्कूल में अगर क्लास में कोई बच्चा है जिसको कम सुनाई देता है या नॉर्मल एक्टिविटी में उसे दिक्कत आती है और टीचर को लगता है कि किसी बच्चे में सुनने की क्षमता कम है, तो वो पेरेंट्स से बात कर सकता है, बता सकता है कि इसे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। ये किस में आ गया, ये आ गया अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन में, ठीक है। जितनी जल्दी दिक्कत का पता चलेगा उतने अच्छे से किसी बच्चे का इलाज हो सकता है। सेकंड क्या है, टीचर शुड हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। टीचर का अगर एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होगा, वो बच्चे को हमेशा ऐसे देखेगा कि ये किसी गलती से हमारे स्कूल में आ गया या क्लासरूम में आ गया, तो बच्चों का मनोबल टूट जाएगा, साइकोलॉजिकली बच्चा कमजोर हो जाएगा, ठीक है। तो टीचर्स में पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, ऐसे बच्चों को अलग से ना देखे, नॉर्मली ट्रीट करें। सीटिंग अरेंजमेंट में क्या हो, ऐसे बच्चों को आगे बैठाया जाए ताकि उन्हें लिप रीड करने में दिक्कत ना हो। जो दूरी है कितनी होनी चाहिए, 3 से 6 फीट होनी चाहिए। ज्यादा दूर हो जाएंगे तो बच्चों को लिप रीड करने में दिक्कत होगी। टीचर्स को चेक करते रहना चाहिए कि जो उनकी हेयरिंग डिवाइस है वो अच्छे से परफेक्टली लगी हो, और टाइम टू टाइम उन्हें चेक करते रहना चाहिए कि वो ठीक काम कर रही है नहीं। एक्सेसिव मूवमेंट टीचर्स को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा ज्यादा इधर टीचर हिलेगा उधर जाएगा तो क्या होगा, ऐसे बच्चों को लिप रीड करने में और एक्सप्रेशन समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। और जितना ज्यादा हो सके उतना क्या करना चाहिए, विजुअल एड्स का यूज करना चाहिए, ठीक है। जितना भी विजुअली दिखाएंगे बच्चे को, पिक्चर्स, वीडियो, चार्ट्स, हैंगिंग चार्ट्स, कोई एक्टिविटी करके दिखाएंगे, तो उतनी ज्यादा ऐसे बच्चों को समझने में आसानी होगी, उनकी लर्निंग को हम एनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। और बच्चों को हर एक तरीके से पार्टिसिपेट करने में किसी भी एक्टिविटीज के लिए उन्हें एनकरेज किया जाएगा, ताकि उनका मोरल बूस्ट हो सके और उन्हें मोटिवेशन आए कि दे आर जस्ट नॉर्मल एंड लाइफ में कोई भी ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब ड्यूटीज हैं टीचर्स की जो इन्हें करनी चाहिए। तो स्पेशल नीड्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में इतना ही था, ये इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है, ठीक है। आप इतने पॉइंट भी एग्जाम्स में लिखाओगे तो आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि होगा लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में, ओके। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हैं बेल आइकन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।